हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IPO के ऊपर। देखा जाए तो इधर जितनी भी IPOs हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, सभी में अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस IPO की यहाँ पे हम लोग बातें करें तो यहाँ पे कुछ अलग ही हम लोगों को नज़ारा देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसको ही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। एंड मैं किससे रिलेटेड चीज़ें मतलब बातें कर रहा हूँ वो आप लोगों को आगे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, आगे चलने से पहले हम आपसे जरूर करना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, जिससे कि इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो और भी लोगों को यहाँ पे मिल सके। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कंपनी के बिजनेस से। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो IPO हम लोगों को जिनका देखने को मिल रहा है, जिस कंपनी का, उसका नाम आप देख सकते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक, जो कि अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें इनकरप्टेड है 2017, मतलब 2017 से ही ये कंपनी हम लोगों को देखने को मिल रही है। 4 साल 5 साल पुरानी ये कंपनी हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड आप देख सकते हैं फिनो पेमेंट्स इज अ ग्रोइंग फिनटेक कंपनी ऑफरिंग अ वाइड पोर्टफोलियो ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज़ अ पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड इट मेजर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनको मेजर प्रोडक्ट हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेंट्स अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, देन इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड्स एंड रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, थर्ड फैसिलिटिंग डोमेस्टिक रिमिटेंस, फोर्थ ओपन बैंकिंग फंक्शनैलिटी, फिफ्थ की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि विदड्राइंग एंड डिपॉजिटिंग कैश, ठीक है, फिफ्थ लास्ट की अगर बातें करें तो कैश मैनेजमेंट सर्विसेज। तो यहाँ पे सभी चीज़ें ठीक ही ठाक यहाँ पे देखने को मिल जा रही। तो ओवरऑल चलते हैं सीधा यहाँ पे हम लोग कंपनी के फाइनेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आप देखिए, प्रमोटर्स जो है वो फिनो पेटेक लिमिटेड इज द कंपनी प्रमोटर्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहे हैं। तो इनके बिजनेस से इनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, सीधा हम लोग उसी के ऊपर आ जाते हैं। जो आप देख सकते हैं कि 19, 20, 21 तीन साल का डाटा है, जितने भी फिगर्स हैं वो रुपीस इन मिलियंस में है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीधा प्रॉफिट पे आते हैं। तो प्रॉफिट आप देखिए, पहले -623 मिलियंस का था, फिर घट करके जो फिगर्स है वो प्रॉफिट माइनस में ही देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे उसमें गिरावट हम लोगों को देखने को मिल जाए, जो कि आप देख सकते हैं कि -320 मिलियंस का देखने को मिल जा रहा है। लेकिन 21 में देखिए, ये जो प्रॉफिट है वो माइनस से सीधा यहाँ पे प्लस में आ गया है। एंड यहाँ पे 204 मिलियंस का कंपनी को अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जिस हिसाब से इनका फाइनेंसस मतलब प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे हम लोगों को ग्रोइंग मोड में देखने को मिल जा रही है। जिसका मतलब ये है कि कंपनी यहाँ पे फंडामेंटल्स यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग ही यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। अभी चलते हैं सीधा कंपनी के डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओपनिंग डेट है वो 29 अक्टूबर, एंड क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं कि नवंबर 2 यहाँ पे इसके क्लोजिंग डेट देखने को मिल जा रही है। देन इशू टाइप की बातें करें तो बुक बेल्ट इशू, फेस वैल्यू 10 की देखने को मिल रही है। IPO प्राइस देख सकते हैं 560 से 577, तो हम लोगों को लेना देना 577 से रहेगा, क्योंकि कट ऑफ प्राइस यही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कट ऑफ प्राइस पे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आगे देखते हैं ये अप्लाई करने लायक है या भी नहीं, ठीक है। मार्केट लॉट आप देख सकते हैं कि 25 शेयर्स का है, जो कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। लिस्टिंग की बातें करें BSE NSE दोनों ही जगह पे ये लिस्ट होगी। इशू साइज की अगर हम लोग बातें करें तो 1200 करोड़ का यहाँ पे इशू साइज देखने को मिल जा रहा है, जिसमें फ्रेश इशू मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को मिल जा रहा है। बाकी की अगर हम यहाँ पे हम लोग बातें करें तो ऑफर फॉर सेल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है 900.29 करोड़ की यहाँ पे OFS हम लोगों को इस कंपनी में देखने को मिल जा रही है। तो ये थी दोस्तों IPO के डिटेल्स। अभी आते हैं IPO के टाइम टेबल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो टाइम टेबल है 29 को ओपन होगा, 2 को यहाँ पे क्लोजिंग है। अलॉटमेंट डेट 9 तारीख को देखने को मिल जा रही है। देन रिफंड डेट की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर को इसका रिफंड डेट देखने को मिल जा रहा है, मतलब जिनको अलॉटमेंट्स नहीं होगा उनके पैसे 10 तारीख को रिफंड हो जाएंगे। देन 11 नवंबर को आप देख सकते हैं कि उन लोगों के डीमैट अकाउंट में ये शेयर शो करेंगे जिनको यहाँ पे अलॉटमेंट्स हुए होंगे। देन लिस्टिंग की बातें करें तो 12 नवंबर को इसकी लिस्टिंग डेट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है।
है। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ें हैं। देन यहाँ पे अभी तक होल्डिंग की बातें करें तो प्रमोटर्स ही इसमें होल्डिंग थे। अभी देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ये इनकी जो होल्डिंग कम होकर के लिस्टिंग के बाद जो कम होगी वो 75% के अंडर देखने को मिल रही है या फिर ऊपर देखने को मिल रही है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे देखना दिलचस्प रहेगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपको लेना है तो आप लोगों को यहाँ पे 1,87,525 रुपये पे करना होगा। देन उसमें 13 लॉट्स आपको मिलेंगे जिसमें 325 शेयर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये है रिटेल कैटेगरी की यहाँ पे चीज़ें जिसमें आप लोग अप्लाई चाहे तो कर सकते हैं। सो ये तो थी दोस्तों यहाँ पे कंपनी के IPO से रिलेटेड सभी चीज़ें, कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें, कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली। लेकिन यहाँ पे हम लोग मेन आते हैं किसके पीछे, GMP के पीछे, जो कि ये सबसे मेन है। क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग इस IPO को यहाँ पे इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो चलिए एक बार इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं कितना देखने को मिलता है, उसके बाद मालूम चलेगा कि इसको यहाँ पे हम लोगों को अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, क्या करना है, ये इनके GMP के बाद ही हम लोगों को मालूम चल जाएगा। सो मेरे भाई अभी हम लोग सीधा अपने कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे आ गए हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो GMP है 26 अक्टूबर को यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे खतरे की घंटी आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर है। जो भी लोग इस IPO के यहाँ पे अप्लाई करेंगे मेरे भाई, उन सभी लोगों के ऊपर खतरे की घंटी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो GMP है वो कुछ यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही 2 है, ना 5, मतलब कुछ भी नहीं है। सो इस तरह के IPO से दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई है। देखिए फंडामेंटल्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो वो तो हम लोगों को इसका स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल जा रहा है। तो अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो इसके बेसिस पे आप लोग रिस्क लेकर के चल सकते हैं। लेकिन जैसा कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो लोग कमाने के लिए आते हैं IPO में, उनके लिए ये यहाँ पे बुरी खबर देखने को मिल जा रही है कि इसका जो GMP है वो हम लोगों को ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। जबकि इसी के एक दिन पहले जो IPO यहां पे ओपन होने वाली है नाइका, उसी अगर यहां पे हम लोग बातें करें तो उसका जो GMP है वो हम लोगों को आसमान में देखने को मिल जा रहा है। सो दोस्तों आप लोग अगर आप चाहें तो इसको छोड़ करके नाइका को ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एंड वो कंपनी इस कंपनी से थोड़ा पुरानी भी है। देन दोस्तों अगर देखा जाए ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखने के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह कंपनी भी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप खुद देख सकते हैं कि इसका GMP कुछ भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आने वाले हैं। सो दोस्तों देखा जाए तो फिनो पेमेंट बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी इस IPO से रिलेटेड अब सभी मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।